चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस ये रहती इनफिनिट डायरेक्शन में, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे इनफिनिट पॉइंट्स, है ना। इनफिनिट पॉइंट्स का एक सेट है जिसको इंडेफिनिट डायरेक्शन में अपन दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसका ना तो कोई एंड पॉइंट होता और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता बट एंड पॉइंट रहता, रे रहती है सी, और एक होती लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल पॉइंट भी होता और टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी रहता है एंड पॉइंट भी रहता है ये लाइन सेगमेंट। तो अपने को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, तो लाइंस की डेफिनेशन वेफिनेशन सब आपको मालूम है, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, जो काम काम की चीजें हैं वो लेंगे अपन। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक अपना आएगा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। देखिए इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, लाइन का इंक्लाइंड होना या उसका झुकाव, कि लाइन कितनी इंक्लाइंड है, कितनी झुकी हुई है, उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा वो। ये एक्सिस बना दिया मैंने एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक लाइन ले रहा हूं मैं, ये इंफिनिटी तक लाइन जा सकती है आपकी, ये लाइन ये वाला एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ और इसको इस डायरेक्शन में मैंने मेजर किया है ऐसा, ये कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी घड़ी के अपोजिट है और घड़ी ऐसी चलती है आपकी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने मेजर किया था, ये वाला एंगल थीटा हुआ। कोई लाइन है एल नाम दे देता हूं इसको, तो द एंगल थीटा, डेफिनेशन लिखता हूं छोटी सी, द एंगल थीटा मेड बाय लाइन एल, मेड बाय लाइन एल, स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में लाइन बोलते, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। देखो द एंगल थीटा मेड बाय लाइन एल, ये लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा मेड बाय लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है ओ एक्स, और इधर नेगेटिव डायरेक्शन रहती है, एंड मेजर्ड एंटी क्लॉक, और इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। एक लाइन रहेगी जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाएगी और उसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर करेगी, ये एंटी एक एंगल ये बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा, ये वाला क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा और ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में उसको मेजर किया जाएगा। ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाएगी ये थीटा, तो ये इस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाएगा, इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन। अब ये कितना इंक्लिनेशन हो सकता है, ये थीटा है, थीटा मतलब ये 30 डिग्री हो गया, फिर ऐसी चली गई लाइन 45 हो गया, 90 हो गया, और ज्यादा ज्यादा लाइन अगर ऐसी सीधी सी के ऊपर आ गई ऐसी, तो कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 180 का एंगल बन सकता है। सो इसको दैट इज थीटा कितना हो सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, इसके बीच में थीटा की वैल्यू रहेगी, ऐसा मतलब 0 भी हो सकता है, यहाँ से शुरू करें अपने, एक के ऊपर एक लाइन आ गई, ऐसी आ गई लाइन, ऐसी चली गई, फिर ये 0 डिग्री का एंगल बना रही, इधर आप देखेंगे तो यहाँ 180 हो जाएगा, और 0 से 180 के बीच में कुछ भी 10 डिग्री 20 30 40 50 60 90 या 180 तक के हो सकता है, ऐसी आ गई तो 180, मतलब मैक्सिमम एंगल 180 का बना सकती है लाइन।
तो एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रही है, उस थीटा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो वो एंगल जो थीटा है उसी को लाइन का इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना उसको इंक्लिनेशन बोले। और ये है आपका थीटा, और ये थीटा लाइज इन दिस लिमिट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इंक्लिनेशन की हेल्प से अब हम स्लोप ऑफ लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। अब अपना जो टॉपिक आ रहा है ये आ रहा है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है कि जो थीटा है वो अगर इंक्लिनेशन है अपना, और उस थीटा का अगर टेन ले लिया जाए, मतलब टेन थीटा बोल दिया जाए, उसका टेंजेंट ले लिया जाए, तो उसी को लाइन का स्लोप बोलते हैं, या एक वर्ड आता है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। देखो मैं इसको लिख देता हूं फिर। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन आर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन देन टेन थीटा, उस थीटा का टेन ले ला, टेंजेंट ले, टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल ऑफ लाइन। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, थीटा किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या है वो आपको बताया अभी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में लाइन जो एंगल बनाएगी और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो उसका इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन आपके पास में है थीटा, उसका आप टेन ले लो, देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, जो स्लोप रहता है उसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अब अपन लिख सकते हैं स्लोप और ग्रेडियंट को, स्लोप और ग्रेडियंट वर्ड है ग्रेडियंट, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये बोल सकते हैं अपन ने फॉर्मूला प्रूफ ही हो गया, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप को एम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इंक्लिनेशन पता है थीटा तो स्लोप आप निकाल सकते हैं, और स्लोप पता है तो इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। आप यहां पर एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा, एक नोट है अपने पास, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस याद रखेंगे, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। देखिए याद रखिए, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन कभी आ जाए, स्लोप ऑफ x एक्सिस 0, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है क्योंकि वो लाइन x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल है, 0 का बनाएगी, तो आप यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती tan 0 की वैल्यू, अगर वो लाइन 180 डिग्री का एंगल बना रही तो tan 180 आ जाएगा, tan 180 की वैल्यू भी 0 ही होती, तो x एक्सिस का जो स्लोप है वो 0 होगा एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। y एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रही ना, ये लाइन है, मान लीजिए लाइन है और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये लाइन है मान लीजिए आपकी, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, स्लोप अगर इंक्लिनेशन आपका 90 डिग्री का है तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 रखेंगे, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए y एक्सिस का जो स्लोप होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0, 0 डिग्री की वैल्यू टेन में 0 होती है और 180 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप 0 और वाई एक्सिस का जो स्लोप रहेगा वो नॉट डिफाइंड रहेगा, मतलब इन्फिनिटी रहेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, थीटा कुछ भी रहे आपका 0 से लेके 180 तक, लेकिन 90 नहीं होना, 90 हो गया कभी तो फिर ये 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ये कंडीशन है यहाँ।
ये फॉर्मूला मेमोराइज करिए, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। लाइन के ऊपर अगर कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होता है, लाइन का जो इंक्लिनेशन रहता है थीटा, उसका टेंजेंट ले लेते हैं, टेन थीटा की वैल्यू को स्लोप कहते हैं और स्लोप को एम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दो पॉइंट है अपने पास में, एक एक्स वन वाई वन और एक एक्स टू वाई टू, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू इज एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये है दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप। ये दो पॉइंट है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, इन दोनों पॉइंट से ऐसी लाइन होगी, दो पॉइंट से जा रही है इन दोनों पॉइंट से, इसका जो स्लोप होगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। मेरा ऐसा मानना है कि फॉर्मूले अगर प्रूव करके बताया जाए तो वो ज्यादा देर तक के या ज्यादा बेटर वे में अपने को समझ में भी आते हैं और वो ज्यादा देर तक अपने दिमाग के अंदर रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो चीज काम में आने वाली होती है वो फॉर्मूले ही रहते हैं। तो फॉर्मूले को यदि आप प्रूव करके याद रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आता और याद भी रहता है, और अगर हम डायरेक्ट अपन उसको पढ़ लें तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, वो शॉर्टकट रहती है और आपको पता है कि अपन शॉर्टकट का यूज करते नहीं है। तो मैं प्रूफ कर ही देता हूँ इसको, है ना। अब ये क्या, मैं सारे फॉर्मूले ही प्रूफ करूँ, जितने फॉर्मूले आएंगे अभी तक के भी आपको मालूम है कि इलेवंथ क्लास हो चाहे ट्वेल्थ क्लास हो, कोई भी क्लास हो, जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग अपन ने सारे फॉर्मूले प्रूफ किए ही है, थ्योरम भी नहीं छोड़ते अपन, तो अपन इसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट आप जानते हैं, हमारा टारगेट ऐसा नहीं रहता कि कैसा भी करके लथड़ पथड़ करके कोर्स कंप्लीट करा दो और बस जय हिंद बोल दो, ऐसा नहीं करते। कोर्स तो कंप्लीट होता है, टाइम पे होता है, लेकिन सब चीज होने के साथ साथ होता है, उसके बिना मजा ही नहीं आता, संतुष्टि नहीं मिलती हमको। तो चलिए दो पॉइंट ले लेते हैं हम और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दो पॉइंट से पास होगी, तो हमको ये प्रूव करना है कि उसका जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूं मैं, x o x डैश। उसको प्रूव करने के पीछे टारगेट ये भी रहता है कि जब प्रूफ करके बता दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला उठाया उसमें वैल्यू रख दिया तो वो वैल्यू तो कोई भी रख सकता है, छोटा बच्चा भी रख सकता है वैल्यू, सिक्स क्लास के बच्चे को बताएंगे बेटा ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखो तो वो वैल्यू रख देगा। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बस, ऐसी कोई लाइन ले लिया मैंने, कैसी भी ले सकते हैं आप। इस लाइन के ऊपर मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, क्या नाम दे दूं, एक को P दे देता हूँ और एक को Q दे देता हूँ, A और B भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पॉइंट P Q में ठीक है, एक P ले लिया और एक A और B भी ले सकता है कोई। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है X1 Y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है X2 Y2। देखो आप ये जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है P और Q से, तो हमको इस लाइन का स्लोप निकालना। स्लोप क्या होता है आपको मालूम है, ये लाइन x एक्सिस के साथ में x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगी उसका टैन ले लेते हैं, तो ये टैन थीटा जो है इसका स्लोप हो जाता है, ये इंक्लिनेशन हो गया इसका, है ना, ये वाला ये इंक्लिनेशन हो गया, इसका टैन ले लेंगे अपन तो वो इसका स्लोप हो जाएगा। तो अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये इसको मैंने थीटा ले लिया, लाइन में यहाँ से भी ले सकता था, ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसा भी ले सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसी ले लिया अपन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ही कहलाएगी ये वाली, ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लिए P और Q, इस P पॉइंट से और Q पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर और ड्रा कर दो, इसके ऊपर ऐसे तीन परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, इसका नाम रख देते अपन, ये पी एम बोल दो ना, पी एम, पी इसको एन दे देता हूँ और इसको एल दे देता हूँ, तीन परपेंडिकुलर ड्रा किए हमने, प्रूफ ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स
क्यू एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू एल। देखो ये पी एम परपेंडिकुलर क्यू एल के ऊपर ड्रा कर, तीन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए अपन ने। ये वाला एंगल थीटा लिए अपन ने, ये लाइन ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लाइन हो गई, ओके। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हुए, दोनों लाइन के ऊपर पड़ रहे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, होगा थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल में अपने को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपने को ये वाली दो साइड की जरूरत पड़ेगी, किसकी किसकी, एक पी एम की और एक क्यू एम की। ये साइड अपन निकाल लेते हैं, पहले ये वाली साइड निकालूंगा मैं। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, तो यहाँ से यहाँ तक के एक्स टू गए होंगे, गए होंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक के वाई टू गए होंगे, तब आपका पी क्यू पॉइंट आया एक्स टू वाई टू। ऐसे ही पी पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक एक्स वन गए होंगे और यहाँ से यहाँ तक वाई वन गए होंगे, तब ये एक्स वन वाई वन आया। तो अपनी ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस में से आपको ये वाली डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक है एक्स टू और यहाँ से यहाँ तक है आपका एक्स वन, ये एक्स वन को अगर एक्स टू में से माइनस कर दिया जाए तो आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी एन एल। फ्रॉम फिगर एन एल इज इक्वल टू ओ एल माइनस ओ एल। देखो ये एन एल इज इक्वल टू, ये ओ एल लिया मैंने, उसमें से ओ एन को माइनस कर दिया। NL को अपन और क्या लिख सकते, देखो ये NL को ही आप PM लिख सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, ये PM। OL कितना है, OL को देखो ये X2 हो जाएगा क्योंकि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अपने पास में, ये X2 हो गया। माइनस ON कितना है, ये ON, ये X1 होगा क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट X1 है, यहाँ तक X1 यहाँ तक Y1, तो ये ON आपका X1। तो PM की वैल्यू निकाल लिया मैंने, अब ऐसे ही क्यू एम की वैल्यू निकालना है, तो क्यू एम को क्या लिख सकते हैं, एंड इस क्यू एम को क्यू एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू एल माइनस एम एल, क्यू एल माइनस एम एल, ये पूरा ले लिया क्यू एल इतना, इसमें से एम एल माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। अब देखो क्यू एल कितना है, ये वाई टू था आपका, एक्स टू वाई टू था, तो यहां तक एक्स टू गए, यहां तक वाई टू गए, तो ये वाई टू है। QM, QL की वैल्यू Y2 माइनस ML की वैल्यू कितनी है, ये ML, ये ML आपका PN के इक्वल है, देखो अपोजिट साइड इक्वल है, PN के इक्वल है, देख रहे हो आपको, ये देखो ये ML इज इक्वल टू PN, और PN कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक X1, यहाँ से यहाँ तक Y1, ये Y1, तो इसको लिख सकते हैं QM इज इक्वल टू Y2 माइनस PN की वैल्यू Y1। ये मैंने दोनों वैल्यू निकाल लिया, PM की भी निकाल लिया और QM की। राइट ट्रायंगल PMQ, अब ये ट्रायंगल ले लो, इन राइट ट्रायंगल PMQ, PMQ इस राइट ट्रायंगल में स्लोप निकालना अपने को, तो टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, तो टेन थीटा ले लो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा को अपन M बोल सकते हैं स्लोप, P क्या है आपका परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है QM और बेस है PM, QM अपॉन, QM अपॉन PM, QM और PM दोनों की वैल्यू आपके पास में है, QM की वैल्यू ये निकाले हमने Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1, और PM की वैल्यू आपके पास में है X2 माइनस X1। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, हो गया आसानी से प्रूफ, थोड़ा समझ लेना है डायग्राम को, वहीं से मैंने उसको लिख दिया है। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, लाइंस के जो स्लोप्स रहते हैं उसके टर्म में, दो लाइन कब परपेंडिकुलर होती है और दो लाइन कब पैरेलल होती है, उसके लिए कंडीशन है। तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस है हमारी और ये y एक्सिस, x o x डैश और ये y o y डैश,
है ना। अब दो लाइन अगर आपस में पैरेलल रहती है, पहले पैरेलल के लिए कंडीशन निकालते हैं, फिर परपेंडिकुलरिटी के लिए निकालेंगे। तो मान लीजिए ये ले लिया मैंने, एक मिनट कलर चेंज करके लेता हूँ, एक लाइन ये ले ली है, ये एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला एंगल बना रही है। फिर तभी हो सकता है 0 और 180 के बीच में, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 180। इसको बोल दिए अपन ने L1 लाइन, ठीक है, ये बना रही है अल्फा एंगल। ठीक है, एक लाइन और ले लेता हूं इसी के पैरेलल, ऐसा इस लाइन का नाम दे देते हैं L2, और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं इसको, तो ये वाला एंगल बीटा ले लेते हैं। एक अल्फा बना रही और एक बीटा बना रही। आपको ये पता है कि जो पैरेलल लाइंस रहती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। अब इस वाली लाइन के साथ में ये अल्फा एंगल बन रहा है और इसी वाली लाइन के साथ में ये बीटा एंगल बन रहा है, ये दोनों लाइनें आपस में अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल समझ लो। तो इफ द लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनते हैं और दोनों एंगल या तो लाइन लाइन के ऊपर ऊपर बनते हैं या दोनों नीचे नीचे। तो ये भी देखो, ये वाला एंगल लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये वाला एंगल भी लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे। 9th क्लास में एक एक्सियम था कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो जब ये लाइन पैरेलल है तो डायरेक्ट अल्फा इज इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं अपन, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, लाइंस आर पैरेलल सिंस लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिख दिया मैंने यहां पर, नहीं भी लिखते तो भी चल जाता लेकिन लिख दिया, लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। दोनों साइड का टेंजेंट ले लेता हूं मैं, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का टेंजेंट मतलब टेन लेना है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम था, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है उसके इंक्लिनेशन का टेंजेंट लेते हैं, टेन थीटा उसको एम के इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एम था, तो ये टेन अल्फा को मैं M1 ले लेता हूँ और टेन बीटा को मैं M2 ले लेता हूँ। यहाँ पर M1 जो है वो लाइन L1 का स्लोप है और M2 जो है वो लाइन L2 का स्लोप है। तो एक कंडीशन आ गई आपके पास में M1 इज इक्वल टू M2 वाली, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो M1 इज इक्वल टू M2 फॉर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन है ये। हां यहां पे अपन लिख सकते थे, अपन लिखे नहीं थे, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, लिख देता हूं यार मैं, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन पे काम कर रहे थे अपन। अब L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन आएगी, इफ द लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, इफ द लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर, तो अपने को इसके लिए कंडीशन निकालना है। तो देखो एक एक्सिस बना लेता हूं मैं, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, है ना। मान लीजिए मैंने एक लाइन ये ले लिया, इसका नाम रख दिया मैंने L1, ये L1 है। अब L2 लाइन आपको ऐसा लेना है कि वो L1 के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको बोल दिया अपने L2,
तो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ बन रहा है या ऊपर कहीं भी ले लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, आपको होता है ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 का बन रहा है, यहाँ 90 का बन रहा है तो यहाँ भी 90 का बन जाएगा, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है L1 और L2। ये जो L1 लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये वाला एंगल बना रहा है, इसको अल्फा ले लिया मैंने, और L2 लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनता है एंगल, इसको बीटा ले लिया, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बन रहा है, ठीक है, ये बाहर बन रहा है एंगल ये वाला, ये अल्फा, ये 90 और ये बाहर वाला एंगल बीटा है। तो हमको इसके लिए कंडीशन निकालना है कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। तो अब देखना यहाँ पे फिगर से, ये एंगल बीटा है, ये एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, ठीक है, ट्रायंगल की ये वाली साइड को आगे एक्सटेंड कर ले तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। आपको याद होगा 9th क्लास में एक थ्योरम है, वो प्रूव किया गया है कि इनर ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों के सम के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गए, एंगल बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री, इसका रीजन लिख देंगे हम बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। भाई ये 9th क्लास के है, 9th क्लास में सारे थ्योरम, मैक्सिमम थ्योरम 9th क्लास के अंदर प्रूव किए गए, 40-45 थ्योरम है क्लास, वो सब काम में आते कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उस वक्त में, यदि आपने प्रूव किए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं किए होंगे तो अब याद रखिए, हम तो सारे थ्योरम प्रूव कराते बच्चों को जो 9th क्लास में जो बच्चा है, क्योंकि हमको पता रहता है कि आगे वो आने वाले, आके उसकी जरूरत कहीं ना, और जो बच्चों ने अगर उसको प्रूफ किए तो उनको बराबर याद आता है कि ऐसा होता है, जिसने प्रूफ नहीं किया, जिसने केवल ऐसी ओरली एक्सप्लेन करके समझ लिया था, उसको फिर यहाँ दिक्कत होती है कि यार ऐसा होता भी होगा कि नहीं होता होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम था कि बाहर वाला एंगल अदर टू एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाले के सम के इक्वल हो गया, हो गया। अब अपन दोनों साइड का फिर से टेंजेंट ले लो, वो स्लोप निकालना है, टेकिंग टेंजेंट on both the sides, ले लो tangent दोनों side का, ये हो जाएगा tan beta is equal to tan alpha plus 90 degree। अब ये question quadrant में चला गया, tan beta is equal to, इसको पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा, इसको 90 प्लस अल्फा लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस 90 लिखा, 90 प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड के अंदर साइन प्लस होता है, टेन नेगेटिव होता है, तो पहले तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ, उसके बाद 90 है तो 90 में चेंज करना पड़ता है टेन का कॉट, तो ये माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। इसको और ऐसा लिख सकते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टेन अल्फा को इधर, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। टेन अल्फा को हम एम वन सपोज कर लेते हैं, एम वन ले लेते हैं, इसका स्लोप एम वन, टेन थीटा इज इक्वल टू एम होता है, तो टेन अल्फा को मैंने एम वन ले लिया, इंटू टेन बीटा इसको एम टू ले लो, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस 1। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका, दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर रहती है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन के इक्वल होता है, ये माइनस वन के इक्वल, तो याद करिए आप, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस 1, और दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप आपको पता है तो दूसरे का स्लोप आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं, माइनस दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल होना चाहिए। तो दो फॉर्मूले आ गए आपके पास में, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन एम वन इज इक्वल टू एम टू, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस 1, और उनका प्रोडक्ट जो होता है माइनस 1 के इक्वल होता है। जैसे एक लाइन की स्लोप कभी 1/3 है तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, दोनों को कट करेंगे आप तो ये -1 आ जाना चाहिए प्रोडक्ट। ऐसा एक लाइन की स्लोप आपको पता है और दूसरा यदि लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप अपन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा करके ले लें। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूं, x o x डैश
वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। हमको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं एक लाइन ले लेता हूं पहले। मान लीजिए ये लाइन है L1, इसका नाम L1 रख दिए, और एक लाइन ले लेते अपन L2, ये हो गई L2, L1 L2 ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये वाला बन रहा है, बन रहा है ये वाला, इसको थीटा बोल देता हूँ। यही वाला एंगल ये भी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहती है, ये भी एक थ्योरम था नाइन्थ क्लास कि वर्टिकली दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होती है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा ले लिए अपन, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यही कैलकुलेट करना हमको। अब देखिए ये एल वन लाइन थी, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है इसको मैंने अल्फा ले लिया, और ये वाली एल टू लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बीटा एंगल बना रही है, इसको बीटा ले लिया मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, ये मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ऐसा ले लिया। अब देखो हमारा टारगेट है ये थीटा की वैल्यू निकालना, तो फिर से इसको नोटिस करो, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की साइड आगे एक्सटेंड हो गई तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। फिर से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देता हूं मैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला बीटा अल्फा प्लस थीटा के इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा के इक्वल, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा कुछ भी लिखो, एक ही बात है, अल्फा प्लस थीटा लिखो या थीटा प्लस अल्फा लिखो, रीजन इसका बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक साइड में थीटा चाहिए, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, थीटा को इस साइड लिख लेता हूं, बीटा माइनस अल्फा। अब वही काम, दोनों साइड का टेंजेंट ले लो, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स, टेन ले लो दोनों साइड का, तो ये टेन थीटा हो गया, टेन बीटा माइनस अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, ये वाला होगा, ये ए माइनस बी वाला फॉर्म, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ठीक है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ए के प्लेस पे बीटा है और बी के प्लेस पे अल्फा है, ऐसा हो गया, टेन बीटा को एम टू माइनस टेन अल्फा को एम वन अपॉन वन प्लस टेन बीटा को एम टू और टेन अल्फा को एम वन, इसको अपन ऐसा लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू कर लो उसको ऐसा। अब इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड का साइन लगा देते हैं, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ऐसा रहने देंगे आप। ये मॉड का साइन इसलिए लगा दिए कि जैसे एम टू की वैल्यू बड़ी हो गई और M1 की छोटी है तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन M2 की वैल्यू छोटी M1 की छोटी हो गई, M1 की बड़ी हो गई तो ये नेगेटिव साइन आएगा, और अगर एक्यूट एंगल है 0 और 90 के बीच में तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती फर्स्ट क्वाड्रेंट में, होती ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। अब ये मॉड का साइन अगर रहेगा तो अंदर कभी माइनस भी आ गया तो मॉड का साइन क्या करता, माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता, तो अब माइनस का साइन आएगा तो हट जाएगा वहां से, इसलिए मॉड लगा दिया गया। और एक्यूट एंगल आप कोई भी देख लो तो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा और 90 छोटा कोई भी एंगल लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, All trigonometrical ratios are positive in first quadrant. तो एक फॉर्मूला आपके पास में ये आ गया, अगर थीटा एक्यूट एंगल दिया तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से अपन थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स करके बाद में निकाले, भाई टेन थीटा में याद रखो इसको। सेकेंड है इसका कि इफ थीटा
इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 180 से छोटा हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस और ये मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। अब देखना, अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, ये मॉड का साइन तो रहने दो ऐसे ही, एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो मॉड के साइन से माइनस का साइन कंज्यूम हो जाएगा तो हट जाएगा। सामने माइनस का साइन लगा दिया मैंने, कहा अगर ये वैल्यू पॉजिटिव भी आई तो सामने माइनस है तो माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, सेकंड क्वार्टर में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए जब ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा तो उसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप दिखाएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, इसलिए ये बाहर माइनस कर। अब अगर क्वेश्चन में आपको क्लियरली ऐसा दिया हुआ है कि ऑब्ट्यूस एंगल आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, और अगर केवल एंगल बोलता है तो दो लाइंस के बीच का एंगल एक्यूट एंगल ही लेते हैं जनरली, तो आपको ये वाला फॉर्मूला। लेकिन कभी अगर आपको एंगल्स निकालना है दो लाइंस के बीच के, एक एंगल तो ये वाला, अगर ये एक्यूट है तो फिर ये वाला ऑप्टिस होगा आपका, है ना, ये एक्यूट है तो फिर ये वाले ऑप्टिस होंगे, जो भी है कंडीशन। तो आपके पास में दो फॉर्मूले, एक्यूट एंगल के लिए मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस वन प्लस एम वन इंटू एम टू लेना है, और ऑप्टिस एंगल के लिए सामने माइनस का साइन लगा देना बाहर, क्योंकि जीरो से 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो एंगल होता है टेन में वो नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपके प्रूफ हो गए। याद रखेंगे आप, कभी ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ से लेंगे आप माइनस का साइन, माइनस का साइन ऑलरेडी रखा हुआ है, अंदर की वैल्यू प्लस ही आएगी, ये दो लाइंस के बीच का एंगल प्लस ही आएगा और सामने माइनस साइन का इंटू कर देंगे उसके। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब जैसे अपने को थीटा निकालना है, मान लीजिए इसको सॉल्व करने से वन आया तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अपने को टेन थीटा थोड़ी निकाल, हमको तो थीटा निकालना है, तो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 45 की होती है, इसको 45 लिख देंगे 10 1 को, 10 से 10 एडजस्ट हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका माइनस 1 आ गया इधर, इसको सॉल्व करने पर 1 आया और सामने माइनस है तो माइनस 1, माइनस 1 10 में 10 135 डिग्री की वैल्यू होती है, 135 डिग्री 10, तो 135 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल 10 से 10 एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 को 10 135 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 1। तो ऐसा अपन इन फॉर्मुलों का यूज कर, निकलेगा यहाँ से थीटा, अभी टेन थीटा में फॉर्मुला याद रखना है, निकलेगा यहाँ से थीटा। कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स अगर कॉलिनियर रहते हैं तो क्या, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर तीन पॉइंट है ए बी सी, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर कब होंगे, जब ये ए बी का जितना स्लोप है उतना ही आपका बी सी का स्लोप भी हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, इसका स्लोप निकालो। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ए और बी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के स्लोप का फॉर्मूला अपने पास में, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर बी सी का स्लोप निकालो, वही ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये दोनों स्लोप इक्वल आ जाएंगे आपके, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्लोप को अपन एम बोल दें तो एम ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो आप कंडीशन को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन कई क्वेश्चन। तो ये हो गए भाई इसके फंडामेंटल्स, सारे बेसिक्स मैंने बता दिया, जो फॉर्मूले प्रूफ करना था वो प्रूफ भी हो गए अपने, और सब कुछ हो गया। अब यहाँ तक पहुंचने अपने को थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ये चैप्टर हो रहा था, अब इसमें ज्यादा चीजें नहीं आएगी, अब क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे और फॉर्मूले तो आएंगे ही आएंगे, फॉर्मूले अपन ड्राइव करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी जितनी चीज आपने पढ़े, जितने फॉर्मूले पढ़े हो गए, तो देख लो आप एक बार इसको, स्लोप ऑफ लाइन एम इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, इफ L1 and L2 are parallel, तो condition proof है M1 is equal to M2. If lines L1 and L2 are perpendicular to each other, then M1 into M2 is equal to minus 1. फिर angle between two lines, दो lines के बीच का angle tan theta is equal to modulus of M2 minus M1 upon 1 plus M1 into M2.
थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। ये मॉडुलस का साइन इसलिए लगा हुआ है कि अंदर की वैल्यू नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल रहेगा तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। वो मॉडुलस के साइन के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव हो गई तो भी अपन पॉजिटिव ले लेंगे, मॉडुलस साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है। और ऑप्टूस वाले केस में अंदर का साइन कंज्यूम भी हो गया आपका, तो बाहर माइनस का साइन लगा, ऑप्टूस एंगल नेगेटिव होता है। 90 से बड़ा और 180 से छोटे में टेन की वैल्यू जो होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस का साइन लगा हुआ है। अब इसी एंगल से अपन चाहते तो वो कंडीशन भी निकल सकती थी अपनी, m1 is equal to m2 और m2 m1 into m2 is equal to minus 1। लाइन उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का रख देंगे, यहाँ पे अगर 0 डिग्री रखे आपने, लाइन जब पैरेलल रहती तो उनके बीच का एंगल 0 या 180 थे, 0 tan 0 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, तो m2 minus m1 is equal to 0, तो m1 is equal to m2, पैरेलल लाइंस की कंडीशन। परपेंडिकुलरिटी के लिए 90 डिग्री रखना पड़ेगा, अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री, tan 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0 है ना, 1 अपॉन 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला 1 के इक्वल हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 1 प्लस एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू 0 आएगा। ये 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस 1। ये परपेंडिकुलरिटी कंडीशन भी आ जाएगी इससे, जो अपन ने उधर प्रूव किए थे, थीटा 90 और थीटा 0 रखेंगे तो टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है और टेन 0 की वैल्यू 0। और कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, अगर तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइज है, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट टू पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस टू पॉइंट, इनका स्लोप सेम रहेगा। देखो यही वाली बीसी लाइन जो है इसी को आगे एक्सटेंड कर दो ऐसी, तो एंगल उतना ही बनेगा आपका, ये थीटा एंगल या एंगल इक्वल बन रहा तो टेन थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी उसकी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे।